एवरीवन, वेलकम टू किचन विद सेहर। और आज हम बनाएंगे मग केक। एकदम से 1 मिनट की रेसिपी है, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है। तो जब भी बच्चे आपके बोले कि आप उन्हें मतलब केक खाना है और आपको एकदम फटाफट से केक बनाना हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और एकदम से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। कोई भी मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि इतनी जल्दी इतनी क्विक सी रेसिपी और इतनी मज़ेदार के जो है वो केक आपकी बनकर तैयार हो गई है। तो आप एक बार ज़रूर इसे बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कम्प्लीट देखिए। वीडियो में मैंने 2 तरीके से आपको बताया कि 2 कप बनाना तो कैसे बना, 1 कप बनाना तो कैसे बनाए। तो सर चलिए, सबसे पहले तो हम ये जो 2 कप हमारा मग केक तैयार होगा तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो कोई भी आपको जो है माइक्रोवेव सेफ कप लेना है, चाहे आप सेरेमिक कप लें तो वो भी ले सकते हैं, मग जो होता है बड़े साइज़ का, और या फिर माइक्रोवेव सेफ जो कप होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैं जो है वो थोड़ा छोटे साइज़ का ले रही हूँ। और हम बनाएंगे बिस्किट केक। तो बिस्किट मैंने ओरियो का लिया है ताकि एकदम कम से कम समय में हमारा फटाफट से बनकर केक तैयार हो जाए। और ये जो है ये हमने एक बड़े साइज़ का ओरियो लिया है और इसके अंदर जो बिस्किट होते हैं वो लगभग 10 से 11 बिस्किट जो है वो आ जाते हैं। तो आपको 5 से 6 बिस्किट जो होगा उसमें आपको 1 कप केक जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप 1 कप बना रहे हैं तो आप 5 बिस्किट लें, और 2 कप बना रहे हैं तो आप पूरा पैकेट ले लें। और इसके अंदर की जो क्रीम है इसे भी हम जो है रिमूव नहीं करेंगे बल्कि इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो चॉकलेट केक बनेगा एकदम बढ़िया बनेगा, टेस्टी बनेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वनीला फ्लेवर भी और क्रीम का भी फ्लेवर आ जाएगा। तो केक जो है वो काफ़ी सॉफ्ट भी बनेगा, स्पॉन्जी भी बनेगा, साथ ही टेस्टी भी बनेगा। तो आप सिर्फ बिस्किट और पाउडर शुगर वगैरह डाल के भी केक बना सकते हैं, मगर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी जिससे इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड हो जाएगा। तो मैं पाउडर शुगर नहीं डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ों को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हम सबसे पहले तो कट कर लेंगे। और साथ ही मैंने आज जो बनाया केक वो मैं आपको ये जो रेगुलर स्पून हम सबके घर में होता है वो मैं उससे बताऊँगी। मेजरिंग कप वगैरह मैंने इस्तेमाल नहीं किया है ताकि इससे आप इजीली आप मेजर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और ये एक मतलब 2 कप बनाने के लिए, 1 पैकेट बिस्किट के लिए मैंने 3 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर लिया है। तो आप चाहे तो 2 से 3 पैकेट, 2 पैकेट भी आप 15 वाला या 10 वाला जो पाउच आता है वो ले सकते हैं, और नहीं तो आप 3 चम्मच आप इसमें मिल्क पाउडर डालें। मिल्क पाउडर नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क भी 2 चम्मच डाल सकते हैं, 3 चम्मच। और सारी चीज़ों को हमने ये अच्छे से एकदम बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। आप ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप पाउडर शुगर 2 चम्मच डाल दें, 2 से 3 टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पाउडर शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हमें इसको जो है दूध डालना है, दूध डालकर हम इसको एक जगह से बैटर बना लेंगे। तो दूध भी हम इसमें मेजर करके डालेंगे, मेजरिंग स्पून से ही डालेंगे, मेजरिंग कप नहीं लिया है मैंने। तो जैसे समझिए कि एक एक बिस्किट के लिए आपको 1 चम्मच दूध लग जाएगा। तो इसमें 11 बिस्किट थे तो हम 11 से 12 चम्मच 13 चम्मच आपको दूध जाएगा। तो उतना लेके आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको नीड लगता है कि नहीं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हार्ड है तो आप इसमें 1-2 चम्मच आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें अभी मिल्क की ज़रूरत है, ये गिर नहीं रहा है, जो कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए रिबन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हम इसमें ज़्यादा नहीं 2 से 3 चम्मच मिल्क और ऐड करेंगे। एक साथ ज़्यादा दूध ऐड मत कीजिएगा, उससे क्या होगा ना कई बार एकदम लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है। तो उसके लिए फिर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको और एक्स्ट्रा बिस्किट ऐड करने पड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही करके मिल्क ऐड कीजिए। यूजुअली आपको 13-14 चम्मच जो है उतना लगेगा। एक पैकेट अगर आप बड़े साइज का बना रहे हैं तो 1 कप बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा लगेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और साथ में हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको बहुत थोड़ा सा डालना है, जैसे कि सिर्फ 1/4 चम्मच जो होता है वो हम बेकिंग सोडा डालेंगे। 1/4 चम्मच से भी समझिए कि मैंने थोड़ा सा कम ही लिया है। साथ में डालेंगे विनीगर, व्हाइट विनीगर जो आता है ये बहुत ही ज़रूरी है इसमें डालना,
क्योंकि विनीगर जो होता है वो हम समझिए 2 कप बना रहे हैं, तो 4 ड्रॉप, 4 से 5 बूंद लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनीगर जो होता है वो केक को राइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, वो सोडा के साथ रिएक्ट करता है, वरना हमें जो है सोडा के साथ अगर हम विनीगर नहीं लेंगे तो फिर हमें दही लेना पड़ेगा, फ्रेश दही। तो दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। दही लेंगे तो 1 टीस्पून के लगभग लेना होगा, विनीगर ज़्यादा ईजी रहता है। आधा आधा कप हमें इसे भरना है और बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा, कई बार जो है से वो केक जब राइज करता है और कप छोटा रहता है तो वो बाहर की तरफ निकल आता है। तो आधा कप ही इसमें डालें ताकि हमारा जो केक है वो बढ़िया सा राइज कर जाए। तो अब हम इसमें माइक्रोवेव में डालेंगे और 2 कप मैंने डाला है, तो 2 से 2.5 मिनट का टाइम हम सेट करेंगे। और इसको इस तरीके से 2.5 मिनट मैंने टाइमर सेट कर दिया है, और 2.5 मिनट के ज़्यादा अब 3 मिनट अभी मत सेट कीजिएगा। स्टार्ट में आप 2.5 मिनट देखें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका केक जो है वो केक बेक नहीं हुआ है, तब फिर आप 25-30 सेकेंड आप एक्स्ट्रा डाल दें, इसलिए क्योंकि अगर एक साथ 3 मिनट डालेंगे तो आपका जो केक है वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हम माइक्रो मोड में कर रहे, कन्वेक्शन मोड में नहीं कर रहे। ओवर कुक अगर हो गया तो केक जो है हमारा वो हार्ड हो जाएगा। तो 2.5 मिनट पे, दो दो केक पे आपको 2.5 मिनट ही पहले सेट करना है। तो ये 2 केक तो हमारा तैयार हो गया। अब चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो है 1 कप केक है, मैं आपको उसके भी बता देती हूँ कि 1 कप कैसे बनेगा। तो ये देखिए, ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, किसी भी टूथपिक एक जैसे आपको क्लीन नज़र आता है, बस उससे ज़्यादा आपको बेक नहीं करना है। और ये हमने 1 कप के लिए भी सेम चीज़ ले लिया है, कप में ही हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो 1/4 चम्मच मैंने 1 कप में लिया है, और इसे हम अच्छे से पहले कर लेते हैं मिक्स। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 1 कप के बारे में भी बताऊंगी, 2 कप के बारे में भी, तो मैंने बताया। और ये एकदम थोड़ा सा समझिए, 1/8 जो टीस्पून होता है ना, एकदम एक चुटकी बराबर उतना हमें बेकिंग सोडा डालना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है सोडा। और 2 ड्रॉप हमें विनीगर डालना है बस, उससे ज़्यादा नहीं, वरना क्या होगा ना, केक जो है वो हमारा कई बार कड़वा हो जाता है। तो बस इतना सा डालेंगे और इसे हम हल्के से मिक्स कर देंगे, ओवर बेट नहीं करना है, बस हल्के से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए, ये हमारी जो है केक बैटर एकदम तैयार हो गया है। अब हमें इसे डालेंगे माइक्रोवेव ओवन में, और इसमें जो टाइम हमें सेट करना है वो सबसे पहले तो हम 1 मिनट सेट करेंगे। और 1 मिनट के बाद अगर हमें लगेगा कि केक जो है वो हमारा थोड़ा सा कच्चा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें टाइम थोड़ा सा 10-15 सेकेंड के लिए बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं, 25 से 30 सेकेंड, 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट में केक हो जाता है तैयार, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, 1 मिनट के बाद ये जो ऊपर है ये मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, लिक्विडी लग रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये लिक्विड है। तो हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड के लिए टाइमर को और सेट कर देंगे। एक साथ ज़्यादा करने से केक हार्ड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो 1 कप बना रहे 1 मिनट, और अगर आप 2 कप बना रहे तो कम से कम 2.5 मिनट, उसके बाद आप चेक करें, अगर उसके बाद नीड लगता है तो फिर आपको क्या करना है कि 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, बस उतना ही बनाना है। जैसे आपको ऊपर की लेयर हमारी एकदम परफेक्टली कुक हो जाएगी, हमारा केक डन है। तो ये देखिए, ये देख के भी लग रहा था, और ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छा सा टूथपिक जो हमारा निकल आया है। तो हमारा जो केक है वो एकदम से अच्छा सा डन हुआ, और ये देखिए सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसे ओवर बेक जो होता है वो नहीं किया, ओवर कुक नहीं किया है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपका केक भी बहुत ही डिलीशियस बनेगा, और एकदम फटाफट से क्विक सी रेसिपी। अक्सर बच्चे शाम में या कभी कभी केक खाने के लिए कहते हैं, तो आप बाहर से जितनी देर में मंगाएंगे ना, उतनी देर में आपका घर में बनकर तैयार हो जाएगा, और एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट तैयार होगा। बस इसके लिए, सॉफ्ट केक के लिए ये ज़रूरी है कि आप टाइम को बिल्कुल बढ़िया सा मैनेज करें, तो उससे आपका केक जो एकदम बढ़िया बनेगा। और इसमें मिल्क पाउडर वगैरह जो हमने डाला था, इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।